का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री बच्चनलाल शर्मा संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बोलिए गिरिराज महाराज की। रुको यार, सीएम चल रहा है तो बॉस रिकॉर्डिंग नहीं करूं। आज के इस भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर टोंक के लोकसभा क्लस्टर की बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया जिनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी। ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब, मेरे कैबिनेट में साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जितेंद्र गोठवाल जी, हमारे संभाग के प्रभारी हेमराज मीणा जी, संभाग के सह प्रभारी सोमकांति जी डी कुमावत जी, भाई पिंटू सैनी जी, और भरतपुर के लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई राम स्वरूप जी कोहली साहब, हमारे इस लोकसभा के संयोजक दीप कुमार के हमारे विधायक भाई शैलेश सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी भाई शिव कुमार सैनी जी, सवाई माधोपुर के लोकसभा के प्रभारी भाई नरेश बंसल जी, संयोजक पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, करौली के जिलाध्यक्ष बृजलाल टिकोलिया जी, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, टोंक के जिलाध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, हमारे वैर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, कामा की विधायक नोकचम चौधरी जी, सपोटरा के विधायक भाई हंसराज जी मीणा साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, कठुमर के विधायक भाई रमेश खींची जी, टोंक सवाई माधोपुर के हमारे सांसद भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली जी मंच पर विराजमान, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के आए सभी मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, मित्रों, आज ये हमारी सातवीं क्लस्टर की बैठक है। परसों हमारी दो क्लस्टर की बैठक थी, कल हमारे तीन क्लस्टर की नौ लोकसभा की बैठक हुई थी, और आज हमारी ये दूसरी बैठक है। कोटा झालावाड़ भीलवाड़ा की बैठक अभी दोपहर में थी, और अभी ये, और अभी तीन बैठक हमारी जयपुर के अंदर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, महीने के 30 दिन मेहनत करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम एक विचार को लेकर के काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम मानते हैं
तो सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्र है, दूसरा नंबर हम पार्टी को मानते हैं और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है कि वो अपना काम 60-40 के रेशो में करता है। आप कहते हैं 60-40 का रेशो क्या है? 60-40 का रेशो ये होता है, आपको आज भी कहीं ना कहीं जाना था, व्यक्तिगत काम से जाना था, अपने व्यापार के काम से जाना था, परिवार में किसी ना किसी काम से जाना था, लेकिन जैसे ही आपके पास सूचना आई कि आज यहाँ बैठक होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आपने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए और आप भारतीय जनता पार्टी की बैठक में आए। ये 60-40 के परसेंट में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, वो अपने काम को छोड़ देता है, वो पार्टी के काम को महत्व देता है, और वो पार्टी के काम को महत्व इसलिए देता है, हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम होता है, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य के माध्यम से हम राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो सपने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखे थे, पार्टी के हमारे उन लोगों ने देखे थे, धीरे धीरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य पूरे होते जा रहे हैं। आजादी के बाद कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने आवश्यकता महसूस की तुरंत आजादी के बाद कि आजादी जिस मायने में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, आजादी के बाद ऐसे लोगों का शासन आया जिन्होंने अपनी नीति चलाने का काम किया, अपना एजेंडा चलाने का काम किया, ऐसा लगने लगा कि देश की दिशा और दशा ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो या तो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो आजादी की लड़ाई में दुनिया से चले गए थे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आखिरकार उस आजादी का महत्व मैं तो लोगों ने समझा, उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद। और चलिए वापस रुख करते हैं भरतपुर का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। कर लीजिए, अरे जिसकी नीति और नियत ठीक नहीं है आप किसी से समझौता कर लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमेशा आपने गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, किसान के विकास के नाम पर वोट मांगा था, आपने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर आप चले थे, आपने तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की थी, आपने उन आतंकवादियों को पालने की राजनीति की थी, वो समय निकल गया। दो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं मित्रों, अगर आपको अगर किसी तरह का वो हो तो 2014 से पहले का इस देश का शासन देख लेना, उस समय के अखबार पढ़ करके देख लेना किस तरह की स्थिति देश की हो रही थी। हमेशा घोटाले होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था, आसमान पर भी घोटाला होता था, पाताल में भी घोटाला होता था। राष्ट्रप्रेमी लोग जब अखबार को पढ़ते थे तो उनके आंसुओं से अखबार गीला हो जाता था कि आखिर इस देश का क्या हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है, परिवर्तन नहीं देखा, आपने उस गरीब कल्याण की योजनाओं को भी देखा है, आपने विकास को भी देखा है, आपने दुनिया में भारत का डंका पुष्टि भी आपने देखा है। अगर पुलवामा में हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में गोला गिरते भी देखे हैं और सेना को यह आदेश देते हुए भी देखा है कि अगर उधर से एक गोली आए तो इधर से गोला जाए, ईंट का जवाब पत्थर से मिले, यह भी आपने देखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्र, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा भविष्य, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा और आपको धीरे धीरे होते हुए आप देख रहे हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, आप वो परिवर्तन देख रहे हैं।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह समय है, ये वो समय है जब 1857 में देश आजाद होने वाला था। थोड़ी सी कमियों के कारण वो देश को 90 साल का दंश झेलना पड़ा था, 90 साल का दंश झेलना पड़ा था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। मोदी जी कहते हैं यही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यही समय है, सही समय है 2047 तक दुनिया का सिरमौर बनाना, इस भारत माँ को दुनिया का मुकुट बनाने का, कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि देश नहीं, दुनिया के सारे देश इस भारत माँ की तरफ देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। अगुवाई करने के लिए आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में 2014 से पहले हम 10वें और 11वें स्थान पर थे और आज हम 5वें स्थान पर खड़े हुए हैं और 2027 तक हम तीसरे स्थान पर होंगे और विकसित भारत जब बनेगा तो दुनिया का सिरमौर भारत होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मन में किसी तरह की खोट नहीं है, हमारी नीयत साफ है। हमने विधानसभा के चुनाव में आपसे वादे किए थे, हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र में से 45% काम हमने 3 महीने में पूरा कर दिया है, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, हमने जो काम किए हैं 3 महीने के अंदर, मेरे से कांग्रेसी कभी कभी पूछते हैं, ये कहते हैं कि ये संभव कैसे हो गया, मिलने आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो थोड़ा गेट हमने अंदर से कुंडी बंद है, इतने लोग आते हैं, इतने आ गए, आना चाहते हैं, उनको पता है, वो जानते हैं इस बात को भी आगे हमारे बच्चों का भविष्य आगे किस तरह का होगा, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, माननीय हमारे अध्यक्ष जी और माननीय राठौड़ साहब ने जिक्र किया है, मित्रों मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा है, आप सबने भी मेरे को देखा है, हम सभी किसान हैं, हम किसान के काम को भी जानते हैं, हमने किस तरह से ये हमारा जिला, हमारा ये संभाग कभी पानी से परेशान रहता था, लगातार नदियां आती थी, रूपारेल नदी आती थी, गंभीर नदी आती थी, बाणगंगा आती थी, कुकल नदी आती थी, हमारे सभी बड़ा पानी पानी रहता हमारे। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले 25 और 30 साल से हम पानी के लिए परेशान हैं। मेरे जब ये पहले ईआरसीपी की बात चलती थी, ये कांग्रेस वाले कहते हैं ईआरसीपी, आपने मेरे से विधानसभा में कहा कि आपने तो समझौता कम पे कर दिया, मैंने आप बताओ कितने पे करना है। मैंने कहा आपने कोई अगर समझौता किया हो तो वो बताओ, आपका ईआरसीपी के नाम पर एक पत्र कोई हो तो वो मेरे को बता दो। अरे 2013 में हमारी एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी जब थी तो इन्होंने ईआरसीपी की शुरुआत की थी। 2004 में 3 मीटर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपने सुना होगा वो नदियों से नदियों जोड़ने का काम करते, उन्होंने कहा कि देश की नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा, उस समय उन्होंने बात रखी थी। तो ये हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का हमारा ये काम सबसे पहले प्रारंभ हुआ, उसको बढ़ाने का काम माननीय वसुंधरा जी ने किया, हमने उसमें हमारी मांग रखी थी 3510 क्यूसेक पानी कि हमें इतना पानी संभावित हमारे सीआरसीपी के लिए चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारा समझौता नहीं था, पहला पत्र हमारा मांग का था, हम ये अभी समझौता करके आए, हमारा जितना था उसमें से उससे ज्यादा हमारा समझौता हुआ। कांग्रेस बोले आप नहीं क्या, मैंने आपको पत्र दिखा दीजिए, इससे पहले आपकी भी तो सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके मन में क्यों नहीं आया। एक भी बार उन्होंने सिर्फ अटकाने का, उसको लटकाने का काम किया,
कभी उन्होंने मन से ये नहीं कहा कि राजस्थान के लोगों को और ये पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिले। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई जी हमारे 13 जिले हैं, इनको पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। आपने जो एक कोर्ट में केस कर रखा उसको वापस लीजिए, उनका निश्चित रूप से लेंगे। उन्होंने कोर्ट का केस भी वापस ले लिया, हमने कहा समझौता भी करना है, वो समझौता भी किया। हमने कहा दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा दिल्ली नहीं, पहले मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लूंगा, दिल्ली जाऊंगा और समझौता करेंगे। ऐसे होते हैं पड़ोसी, ऐसे होते हैं हमारी सरकारें, दोनों जगह है तो हमारा उसका लाभ हमने उठाया। इन्होंने तो सिर्फ घोटाले का काम किया, इन्होंने घोटाले का काम किया। हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आता था, इन्होंने कोयला बंद करा दिया। एक कोयला बंद हो गया तो उसमें घोटाला हो गया, घोटाला ये हो गया, साइड वहां थी, इन्होंने साइड दूसरी कर दी कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी थी। विकास में साझेदार नहीं बनते, लेकिन घोटाले में साझेदार बन जाते हैं, घोटाले में साझेदार बन जाते हैं। वो भी शामिल हो गए, ये भी शामिल हो गए। 25 और 30 किलोमीटर दूर साइड बना दी, अब उसका ट्रांसपोर्ट करके काम इन्होंने ले लिया, अब दोनों मिल करके वो कर रहे हैं उसमें। अरे हमारा कोयला ही नहीं आया, इनकी लड़ाई में हमारा कोयला नहीं आया। हमने 40% कोयला अधिक रेट पर हमें कोल इंडिया से लेना पड़ा, इन्होंने ही दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ बिजली में देने का काम किया, उससे ऊपर 300 करोड़ रुपए तो इन्होंने देनदारी का था, जो सिर्फ पेनल्टी का इन्होंने 300 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार पर बोझ डाला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, इसी तरह से हमारा यमुना जल का समझौता हमारे चूरू सीकर झुंझुनू का था। माननीय राजनीति भाई साहब ने बात उठाई, इन्होंने हमेशा विधानसभा में अपनी बात रखी, इन्होंने कहा कि ये यमुना का समझौता अगर हो जाए तो हमारे तीनों जिले सरसब्द हो जाए। मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा, मेरे अधिकारियों से कहा, कांग्रेस के लोग कहने लगे यमुना का समझौता हमने भी किया, हमने कहा पेपर निकलवाए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, आज तक कांग्रेस का एक भी पेपर ऐसा नहीं जो उन्होंने यमुना समझौते पर हरियाणा सरकार को एक पत्र भी लिखा हो। अगर वो भी पत्र लिखा था तो 1994 हमारे यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने हरियाणा सरकार को लिखा था कि हमें 1917 क्यूसिक पानी हमें वहां से मिलना चाहिए। और आज हमने अगर वो समझौता किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि होगा राजस्थान को पानी देना। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को कहा कि आप राजस्थान के सीएम से बात करिए, वहां के जिलों की प्यास आप बुझाइए। उनका फोन आया, बुलाया और उन्होंने उसी पर जो हमारा भैरव सिंह शेखावत जी ने 1917 क्यूसिक का पानी का कहा था उसी पर हमारा समझौता हुआ और उसकी डीपीआर बनने वाली। हम ये तो नहीं कह सकते जैसे वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाने का काम हम करेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब हमारी इस राजस्थान की जमीन को पानी मिलेगा तो हमारी जमीन जरूर सोना उगलने का काम करेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने जितनी भी हमारी हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे तो 450 रुपए में सिलेंडर हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का हमने काम किया। हमने कहा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने पहले चरण में 6,000 रुपए हमारी केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देने का काम करती है। हमने 2,000 रुपए देकर के 8,000 रुपए किसानों के सम्मान निधि बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। गेहूं की MSP 2,275 रुपए थी, हमने कहा गेहूं के दाम भी हम बढ़ाएंगे, 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा था इन युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं को खून के आंसू आपने रुलाए हैं। 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम इस सरकार ने किया है।
हमने कहा हम एसआईटी भी गठित करेंगे और हमने 15 तारीख को शपथ ली और 16 दिसंबर को एसआईटी गठन करने का काम किया और उसका काम भी आप देख रहे हैं किस तरह से अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार किया है, 63 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसआईटी उस क्षेत्र में काम कर रही है। अब तो 65 हो गए, दो और हो गए, कल 65 हो गए, 66 में सुभाष गर्ग करो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार, आपने जो वायदा, हमने आपसे जो वायदा किया है, धीरे धीरे हम उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सबके बीच में मैं तो रहा हूं, हमारे पूरा संभाग मैंने देखा है, भरतपुर के एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम भी आपने देखे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा के चुनाव में हमें 25 की 25 सीट 2014 में मिली, 2019 में मिली, लेकिन अब की बार 400 बार तो है, लेकिन अब की बार जो हमारी जीत होगी वो हमारी एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जब भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहराए, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं। हमें उसमें 370 को जोड़ना है, 370 वोट उसमें जोड़ना है और हर लोकसभा को हमने 5 लाख वोट से अधिक से हर राजस्थान के अंदर 5 लाख वोटों से अधिक अंतर से हमें जीतना है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाइयों, जितने भी कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, कई कार्यकर्ताओं के मन में यह भाव पैदा होता है कि भाई साहब मैं काम करता हूं मेरे को कोई देखता नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, लिखा रहता है ना आप कैमरे की नजर में है, आप कैमरे की नजर में लिखा होता है। हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, या हमारे मोर्चों का कार्यकर्ता हो, या हमारे प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यकर्ता पर सभी की नजर रहती है, कौन अच्छा काम करता है ये भी पता रहता है। और जो दायित्ववान कार्यकर्ता है अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है ये भी पता रहता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, आप जो कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता के रूप में, दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन आपको इसी मंच पर आपको आप में से आने वाले हैं, इस मंच पर भी आप में से आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि भी आप में से आने वाले हैं। ये विश्वास कर लीजिए, ये किसी और पार्टी के अंदर नहीं होता है, अगर ये होता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से विद्यार्थी की परीक्षा आती है वो जुलाई अगस्त के महीने में कम पढ़ाई करता है, मटरगश्ती भी करता है, खेलने भी चला जाता है, लेकिन जैसे ही पेपर आते हैं पहले तो कहते हैं, घर वाले जगाते हैं जब स्कूल जाता है, लेकिन जैसे ही पेपर आते हैं तो उसको खुद को चिंता होती है, वो घर वालों से कहने लग जाता है, माताजी से, पिताजी से, भाई से, कि आप मेरे को इतने बजे जगा देना, मेरे को पेपर में पढ़ना है, तैयारी करनी है। हमारे लिए चुनाव हमारी परीक्षा है राजनीतिक दल के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरा समय आपको देना होगा, पूरा समय दे करके एक एक गांव, एक एक ढाणी में हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और 3 महीने में हमारी जो राजस्थान सरकार की योजनाएं, इनको आपको घर घर जाकर के बताना है, क्योंकि ये कांग्रेसी लोग आते हैं, वैसे नहीं आएंगे, लेकिन चुनाव के समय जब ये आते हैं तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं। लास्ट 5 साल के अंत में 2 महीने चुनाव से पहले गारंटी दे रहे थे, अशोक गहलोत जी गारंटी दे रहे थे, अरे भाई जिसके पास पासबुक होती है खेती की वही तो जमानत देता है किसी की, या गाड़ी के कागज होते हैं वो देता है, कोई प्रॉपर्टी होती है कोई ना कोई होती है तभी तो जमानत लगती है, और जिसके पास कागज ही नहीं है, खेत की पासबुक नहीं है, किसी व्हीकल के पेपर नहीं है, वो गारंटी दे रही, जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो दुनिया में गारंटी देते घूम रहे हैं, ये स्थिति हो रही है और उनकी गारंटी जनता ने देख ली। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया,
उन्होंने हमेशा तुष्टिकरण के आधार पर काम किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे संकल्प पत्र में 1951 से लेकर के आज का जो हमारा संकल्प पत्र है, आज हम जिसको संकल्प पत्र को आज भी जनता के बीच में जाकर के एक एक गांव एक एक ढाणी से उसको ले रहे हैं, आज हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी उस संकल्प पर आधारित रहते हुए काम करती है। हमने पुराने वादे हुए हैं हमारे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, CAA हो, हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना हो, आपने देखा होगा उन सारे बातों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हम भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने भी हमारे जितने भी हमारे ऐसे पैनोरमा थे जहां हमें आवश्यकता थी, जैसे हमारे मंदिर भी थे, उन सबको जीर्णोद्धार करके उनका नया स्वरूप देने का काम हमारी राज्य सरकार ने भी किया है। हम आपके बीच में जो वायदा करेंगे निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, उससे चार कदम जाकर के बताएंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव है, ये चुनाव देश को दिशा देने वाला चुनाव है, प्रदेश को दिशा देने वाला चुनाव है, ये युवाओं का चुनाव है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है, ये किसानों का चुनाव है, ये किसानों के उन्नति का चुनाव है, ये उन मजदूरों का चुनाव है, ये मजदूरों को जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो व्यक्ति उसको आगे लाने का चुनाव है। इसलिए हम सभी को घर घर जाना है और हमें जो मोदी जी का संकल्प है, अब की बार